अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिस्टर्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपसे रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ एक अफोर्डेबल ब्रश किट का, और ये अफोर्डेबल होने के साथ साथ क्वालिटी वाइज अच्छी है या नहीं ये भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगी। और अगर आप जानना चाहते हैं इस ब्रश के बारे में, ये क्रिस्टीन की ब्रश किट है मेरे पास, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट का हॉनेस्ट रिव्यू देती हूं, और अगर आप न्यू हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की, और ये इसकी आउटर पैकेजिंग है इस तरह से। सॉरी, इसका जो बॉक्स है वो ज़रा बुरी हालत में है क्योंकि मैंने ये कुछ टाइम पहले लिया था। और इस तरह से इसकी पैकेजिंग है, और इस पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल ब्रश किट, और ये वैसे तो प्रोफेशनल ही यूज़ होती है लेकिन ये बिगनर्स के लिए भी बहुत ही अच्छी किट है। और इस तरह से इसके पीछे ये जो सारे नाम मेंशन है ब्रशेस के, जिसमें शामिल है पाउडर ब्रश, ब्लशर ब्रश, आई शेडो ब्रश, आईब्रो ब्रश, आईब्रो कॉम ब्रश, आई शेडो ब्रश, लिप लाइनर ब्रश, आई लाइनर ब्रश और फैन ब्रश। इसके अलावा जो इसकी प्राइस है वो भी यहाँ मेंशन है, 850 रुपीज़। लेकिन ये अब इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं क्योंकि ये मैंने तकरीबन 1 ईयर पहले लिया था। और इस तरह से जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये एक खूबसूरत से पाउच में आपको दिखेगा। इस तरह से इसका खूबसूरत सा देख सकते हैं कि एक लेदर का पाउच है। और अब हम इसकी अगर प्राइस की बात कर लें तो इसकी जो प्राइस है वो इस टाइम 1000 रुपीज़ है, और जब मैंने लिया था तो ये 850 रुपीज़ का था और ये अब 1000 रुपीज़ का है। और अगर हम बात करें इसकी क्वालिटी की तो क्वालिटी वाइज ये बहुत ही अच्छा है, और ये पूरा पाउच और जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें जो बेसिक ब्रश हैं जो मेकअप के लिए यूज़ होते हैं वो मौजूद हैं। और 9 ब्रश का टोटल ये सेट है, और अगर आप इसका बड़ा सेट लेना चाहते हैं, बड़ी किट लेना चाहते हैं तो वो भी है, लेकिन मैंने पहले एक लेकर देख ली थी क्योंकि इसमें 9 ब्रश थे। और अब इंशाल्लाह मैं इसकी बड़ी किट भी लूँगी। इस तरह से इसको हम ओपन करेंगे तो इस तरह से इसकी पैकेजिंग है, ये देख सकते हैं आप सारे ब्रश ये लगे हुए हैं लाइन से। और इसके ब्रश की जो क्वालिटी है वो बहुत ही मुझे पसंद आई है, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। इसके जो ये ब्रश हैं देख सकते हैं आप, इसके ब्रिसल्स कितने सॉफ्ट हैं और पता चल रहा है इस तरह से, और कितने शाइनी भी हैं। और ये देखें, और बिल्कुल भी इसको 1 ईयर से मैं यूज़ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये इसके जो ब्रिसल्स हैं झड़ गए हों या हार्ड हो गए हों, ऐसा नहीं है। देख सकते हैं आप कितना मैंने इसको यूज़ किया है, उसके बाद भी ये बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छे हैं। और इस पे लिखा हुआ है ये ब्लशर ब्रश है, लेकिन नॉर्मली ब्लशर ब्रश नहीं, इसको आप पाउडर ब्रश कह सकते हैं। ये पाउडर के लिए यूज़ होता है, पाउडर सेट करने के लिए। ब्लशर के लिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, लेकिन इसको आप ज़रूरी नहीं है जो नाम इसके ऊपर मेंशन है आपने उस तरह से ही यूज़ करना है इसे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ब्रश किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से वो आपको ठीक लगता है। तो ये देखें, ये एक आपको नज़र आएगा एक तिरछा ब्रश है, ये इस तरह से देख सकते हैं, इधर से बड़ा है इधर से छोटा है ये। तो ये कंटोर के लिए यूज़ होता है, नॉर्मली कंटोर करते हैं इससे फेस को, लेकिन इस पर लिखा हुआ है ब्रशर ब्रश, तो आप इसे ब्लशन भी लगा सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी फैन ब्रश, फ़ैन ब्रश है और सभी लोग इससे वाकिफ़ होंगे मेरा ख़्याल में, सभी जानते होंगे इसको कि ये हाइलाइटर लगाने के लिए यूज़ होता है। ज़रा सा आपने हाइलाइटर लेना है और इस तरह से आपने लगाना है अपने चीक बोन्स पे, और ये आपके जो चीक्स हैं उनको एकदम से हाईलाइट कर देगा। देख सकते हैं आप इसके ब्रिसल्स भी कितने अच्छे हैं, और ये 2 कलर में है, वाइट और ब्लैक में, ये देख सकते हैं आप, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक लाता है। और मेकअप अच्छा हो और ब्रश अच्छे ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है मेकअप करने का, मेकअप के लिए अच्छे ब्रश होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैं आपको ब्रश दिखा रही हूँ इसको भी तकरीबन सभी जानते होंगे, ये आईब्रो के लिए यूज़ होता है,
इस पे लिखा हुआ है आईब्रो ब्रश, और ये थोड़ा हार्ड ही होता है, ये सॉफ्ट नहीं होता, तो ये हार्ड ही है। और ये मैं इतना नॉर्मली यूज़ नहीं करती हूँ, कभी आईब्रो सेट करने के लिए यूज़ कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज़ नहीं करती। और ये जो ब्रश है ये है आई शेडो ब्रश, देख सकते हैं आप इस तरह से आप अपनी क्रीज पे जो क्रीज होती है आपकी आई की, वो आप इससे इन्हेंस कर सकते हैं इजीली। और ये कट ब्रश है, लेकिन मैं इसको नोज़ की कंट्रोलिंग के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। देखिए मैं आपको एक ब्रश से कई काम करना बता रही हूँ कि आप इसको आई शेड के अलावा नोज़ की कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये है, ये भी आई शेडो ब्रश है, देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल बारीक सा है। इसको आप आई शेड अप्लाई करने के अलावा जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वो आप इसको इनर आई पर जो शेड अप्लाई होते हैं उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे इनर आई को आपने इनहेंस करना होता है, हाईलाइट करना होता है, तो उसके लिए भी ये वाला ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लिपस्टिक को फिल करना चाहें आउटलाइन के बाद लिप पे, तो उसके लिए भी ये आप यूज़ कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ वो है लिप ब्रश, ये देखें, ये लिप ब्रश है, और ये भी थोड़ा सा हार्ड ही होता है, ये सॉफ्ट नहीं होता, क्योंकि इससे लिप की हम आउटलाइन बनाते हैं। तो ये इस तरह से, ये देखें, इसके ब्रिसल्स भी अभी तक झड़े नहीं हैं, बहुत यूज़ हुआ है ये। और ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है लाइनर ब्रश, ये देखें आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बारीक है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये आईलाइनर ब्रश, और ये भी बहुत अच्छा है नो डाउट। और ये 1000 रुपीस में अभी मिल रही है, तो कोई बुरी नहीं है क्वालिटी वाइज, जितनी क्वालिटी अच्छी है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये है कट ब्रश, यहाँ मेंशन है, और आप इसकी देख सकते हैं आप इसको करीब से, मैं अगर आपको फोकस करे मेरा कैमरा, ये देखें आप, ये इस तरह से इसकी क्वालिटी है, और बिल्कुल इंतहाई सॉफ्ट ये ब्रश हैं। और देखें ये इस तरह से, ये जो ब्रश है ये कट ब्रश है, इससे आप अपनी आईब्रोज को सेट कर सकते हैं। अगर आपके आईब्रो हल्की हैं, डार्क नहीं है, तो आप आईब्रो शेड्स के ज़रिए आप अपनी आईब्रो को इससे बना सकते हैं। और देखें इसके अंदर तकरीबन जो बेसिक ब्रश हैं मेकअप के लिए जो यूज़ होते हैं सभी मौजूद हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी बड़ी किट लें जिसके अंदर 24 ब्रशेस होते हैं, वो थोड़ी एक्सपेंसिव भी हो जाएगी, वो 3000 समथिंग की है। तो अगर आप यही ले लें तो इससे भी आपका काम हो जाएगा। देखें 1 ईयर से तो मैं यही ब्रश यूज़ कर रही हूँ, और तकरीबन इसमें सभी ब्रश हैं। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 9 ब्रश हैं टोटल इस किट में, और बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी किट है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी बड़ी किट परचेज़ करें। देखिए मैं 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, इसमें सब ब्रश अवेलेबल हैं। एक ब्रश से आप दो दो तीन तीन तरह के काम ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है। और जो व्यूवर्स पूछ रहे थे कि मैं अफोर्डेबल और क्वालिटी वाइज अच्छे ब्रश आप लोगों से शेयर करूँ, तो आज का जो रिव्यू है वो मैंने कर दिया है उनके लिए। और आई होप ये जो आज की वीडियो है ये बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, जो तलाश में होते हैं कि उन्हें अच्छे ब्रश मिल जाएं, अच्छी कीमत पे मिल जाएं, तो उनके लिए ये वीडियो है। और मैं आपको 100% रेकमेंड करूँगी, ये ब्रश बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल इसके अंदर मुझे किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। और वैसे तो ये आपको सुपरमार्केट से मिल जाएंगे, और इजीली कॉस्मेटिक शॉप से भी मिल जाएंगे, और अगर आपको ना मिलें तो आप ऑनलाइन भी इसको मंगवा सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये ब्रश यूज़ करते हैं तो अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप अभी लेंगे ब्रश और उसके बाद आप यूज़ करेंगे तो यूज़ करने के बाद भी मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल दूँगी, और इसके बारे में भी मैं सारी मालूमात जो भी हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा वहाँ से। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, और अपनी बहुत सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।